दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाय बीके हार्डवेयर स्टोर डिडवी टिकर हमीरपुर। सभी प्रकार के पेंट, हार्डवेयर, प्लाईवुड, टिम्बल, टाइल्स और मार्बल के लिए संपर्क करें। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इसमें होटलियर्स व टैक्सी ऑपरेटर ने भाग लिया कि किस तरह से यदि होटल में आग लग जाए या पानी के कारण कोई क्षति हो जाए तो जान कैसे लोगों की बचाई जाए, उसके लिए वर्कशॉप रखी गई। साथ ही टैक्सी ऑपरेटर भी दिन रात काम पे होते हैं, बाहर जाते हैं, कहीं रास्ते में कोई आपदा आती है उसे कैसे निपटना है इस वर्कशॉप के माध्यम से सिखाया गया। शहरी मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा इस तरह के और भी बहुत से शिविर आयोजित किए जाने हैं जिसमें पार्षदों सहित अन्य लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्योंकि हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है, यहाँ आपदा की संभावना ज्यादा रहती है, इसलिए इस तरह के शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिमला द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर ये 2 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। ये शिमला सिस्मिक जोन 4-5 में आता है और डिजास्टर की दृष्टि से जो है वो कभी भी संभावना हो सकती है, यहाँ पर भूकंप की भी हो सकती है और वैसे भी ये पहाड़ी एरिया है, कभी भारी बारिश हो जाती है उसके कारण जो है वो यहाँ पर मुश्किलें पड़ जाती हैं, मकान ढह जाते हैं, जान और माल की हानि होती है, पेड़ होते थे पेड़ कटे उसके कारण जो है डिजास्टर हो जाता है, कई बार लोगों ने मकान ही बड़े बड़े ऊंचे बना दिए थे वही गिर जाते हैं तो वो भी डिजास्टर हो जाता है। तो पहाड़ी प्रदेश में ट्रांसपोर्ट जो की जो सुविधाएं होती हैं उसमें भी इस प्रकार की आपदा के समय जो है वो बहुत मुश्किलें जो है वो आ जाती हैं। तो इस दृष्टि से अलग अलग लोगों की जो है वो ट्रेनिंग वर्कशॉप के द्वारा कराई जा रही है। अभी की जो ट्रेनिंग है ये कोरोना काल के बाद जो है वो पहली प्रारंभ हुई है, जिसमें होटलियर्स, होटल में काम करने वाले लोग और टैक्सी चालक जो हैं वो मुख्य रूप से, क्योंकि होटल में जो है वो टूरिस्ट आता है या जो भी वहाँ पर कस्टमर होता है, अगर डिजास्टर हो जाए, मान लो आग लग गई वहाँ पर या कोई इस प्रकार का जो है वो वर्षा के कारण जो है वो मकान क्षतिग्रस्त हो गया, तो उसमें जो है वो होटल के लोग कैसे जो है वो उनकी मदद कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करेंगे उस दृष्टि से। और कहीं जो है टैक्सी चालक जो है वो बाहर जाता है, वहाँ पर जो है वो पत्थर आ जाते हैं, बोर्डर आ जाते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, तो उसमें जो है वो उस स्थिति में किस प्रकार से जो है वो अपने जो ग्राहक हैं उनको सेव भी करता है और आवश्यकता पड़ने पर रेस्क्यू भी करता है, तो इसलिए उनकी जो है वो प्रॉपर ट्रेनिंग होना आवश्यक है। इस प्रकार से बहुत सारे अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ट्रेनिंग जो है UNDP प्रोग्राम के अंतर्गत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा की जाती रही है। आगे जो है वो और भी सेक्शंस जो है इससे उनकी ट्रेनिंग होगी और फिर काउंसलर्स जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के उनकी भी वर्कशॉप जो है इस तरीके से रखी जाएगी। तो आज की जो ये वर्कशॉप है पर्टिकुलरली ये होटलियर्स और जो हमारे टैक्सी चालक हैं उनकी वर्कशॉप है और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इसमें जो है जो रिसोर्स पर्सन है वो बहुत ही एमिनेंट जो है वो इस विषय की एक्सपर्ट हैं, अहमदाबाद से आई हैं और बाकी जो UNDP के जो अन्य अधिकारी कर्मचारी हैं वो इसमें जो है वो मैनेज करते हैं कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है वो अपने क्षेत्र में डिजास्टर को मैनेज करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और कौन कर सकता है, उन सब की जो है वो इस प्रकार की ट्रेनिंग की जा रही है। शिमला नगर निगम की है तो शिमला नगर निगम तो शिमला के लिए ही करेगा, हम जो आज की आई शिमला नगर निगम की है, बाकी डिपार्टमेंट्स जो हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करें, UNDP का प्रोग्राम अन्य ULBs में होगा तो वहाँ पर अलग अलग ULBs करेंगी या कोई और संस्था जो है वो करेंगी, पर ये शिमला नगर निगम का है और नगर निगम जो है वो इन वर्कशॉप्स को ऑर्गेनाइज करना है।